20 से 25 गाय दो और वाइफ लेके आ जाओ किसी से भी, तो नॉर्मली 3 से 4 वाइफ आपको हर बंदे के पास मिलेंगी। कैन यू आस्क हाउ मेनी काउज टीचर गिव टू हर पेरेंट्स? 25। यू आर सो एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई यू आर ब्यूटीफुल। बकरियों के छोटे बच्चे इनको साथ में लेके नहीं जाते क्योंकि जंगली जानवर इनका शिकार कर लेंगे। और ये जो भाई साहब सामने आ रहे हैं, ये है भाई इनका हेड ऑफ द फैमिली। और इनकी वाइफ दिखाता हूँ, 1, 2 और जो पीछे खड़ी हैं 2, 4। और छत देखो भाई किस चीज से बनाए हुआ, जो अपने इंडिया में सरकंडे नहीं बोलते। और ये वाला जो चीज है भाई, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जहाँ पे ये अनाज स्टोर करते हैं अपना। इतने सारे घर बने हुए, एक ये दिख रहा, ये रहा, ये रहा, वो रहा, वो सामने उधर भी काफी बहुत है। इसका रीजन है कि भाई साहब की क्या 4 औरतें हैं, उस वजह से। बाकी सब मतलब ऐसे नहीं कि औरतें सभी एक साथ रहती, एक साथ कोई नहीं रहता, अलग अलग घर में रहती हैं सभी। तो जब भी आदमी का मन होता है वो उसी के पास जाके सो जाता है। Hey, what's up guys and welcome back to the Kenya series. तो अभी हूँ भाई मैं आपका नॉर्थ केन्या के अंदर, एक छोटा सा टाउन पड़ता है आपका कैपेंगुरिया। और भाई ये वाला जो है कि ये आपका पहाड़ों वाला एरिया है, माउंटेन एरिया, चारों तरफ आप जहाँ भी देखोगे वैलीज के अंदर बसा हुआ है। लेकिन मेरा यहाँ से जाने का प्लान है आपका बिल्कुल नॉर्थ केन्या के अंदर डेजर्ट वाला जो पार्ट है, लोडवार की तरफ, जहाँ पे कि अपने को देखने में मिलेंगी काफ़ी सारी डेजर्ट वाली ट्राइब्स। मगर इससे पहले मेरा यहाँ पे जो एक लोकल ट्राइब रहती है पॉकेट नाम की, उनको विजिट करने का प्लान है। अगर पॉसिबल हुआ तो लोकल लोगों से जानकारी लूंगा, अगर को मेरे को कोई वहाँ पे ले जा सकता है और ट्रांसलेटर का काम कर सकता है तो ही पॉसिबल हो पाएगा। और भाई पॉकेट के बारे में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपकी पॉकेट ट्राइब है ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्राइब्स ऑफ केन्या इनके अंदर आती है। अभी तो इतना वो वाला सीन नहीं बचा, मतलब ट्राइब्स के बीच में लड़ाई वगैरह नहीं होती, लेकिन आज से आराम से आप लगा लो 200-250 साल पहले जब भी मतलब वॉर्स होते थे तो उनमें मोस्टली जो विनर्स होते थे वो पॉकेट ही होते थे। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर पॉकेट्स। तो ये भाई आपके गांव का एंट्री पॉइंट। और अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले एक टीचर है स्कूल में, गवर्नमेंट टीचर, तो वो सुबह सुबह आए थे, रात को भी मेरे को मिले थे। तो उन्होंने घर पे मेरे को इनवाइट किया था, लेकिन उनके होते हुए तो मैं घर पे नहीं जा सका। लेकिन वो अभी स्कूल चले गए तो मेरे को बोले कि मेरे घर पे आपको वाइफ मिलेगा मेरा, तो उनसे जाके मिल लेना। तो वहीं चलते हैं सबसे पहले और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे गाँव को। और ये सुबह सुबह दूध वाला आ गया भाई गाँव में दूध देने के लिए। अरे यहाँ पे भी गाय वगैरह का यूज़ इतना दूध के लिए नहीं करते, मीट के लिए ज़्यादा करते हैं, दूध ये बेचने वाले से लेते हैं। हाउ मच फॉर द मिल्क? 1 लीटर। हाउ मच? 30 फॉर 1 लीटर। 1 लीटर 50। 850। दिस इज काऊ, काऊ और बुफेलो? 100। दिस इज काऊ मिल्क और गोट? काऊ मिल्क। फ्रॉम युगांडा। सो दिस पीपल दे डोंट हैव काउज एट होम? ओके, सो द काउज आर इन द युगांडा। भाई गाय वगैरह रखते हैं लेकिन अभी का जो सीजन है वो क्या बोलेंगे, रेनी सीजन अभी आया, पहले सूखे का सीजन था। तो चराने के लिए जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से नहीं दिख रहे होंगे, वो युगांडा है, वहाँ पे चले जाते हैं सभी गाय वगैरह। जैसे ही बारिश होगा, घास आएगी तो घोड़ा भी आ जाएगा। कुछ नहीं भाई। और भाई इन पॉकेट्स के बारे में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इनके भी शादी कैसे होती है कि अगर आपको लड़की लेके आनी, वो खरीदने जैसा सिस्टम मान लो, वस्तु विनिमय जो होता था पुराने टाइम में इंडिया में, 20 से 25 गाय दो और एक वाइफ लेके आ जाओ किसी से भी। और यहाँ पे वो वाला कल्चर है कि एक वाइफ से काम नहीं चलता, आपको अपना पॉपुलेशन बढ़ाना होता है, जितना भी बढ़ाओ मतलब उस चीज़ को ये पॉजिटिव मानते हैं। तो नॉर्मली 3 से 4 वाइफ आपको हर बंदे के पास मिलेंगी और बच्चे बोले तो 15 से 20 ऑन एन एवरेज, इतने तो मिलेंगे आपको नॉर्मली। नो प्रॉब्लम। कैन यू आस्क हाउ मेनी काउज टीचर गिव टू हर पेरेंट्स? 25 cows. 25? Oh, you are so expensive. That's why you are beautiful, huh? भाई इनको 25 गाय देके लाए थे मास्टर। तो अभी दिखाता हूँ मैं इनकी आपको सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज, भाई गाय जिसके बदले ये अपनी एक लड़की लेके आते हैं खरीद के। ये भाई इनकी गायों का बाड़ा, इसमें होंगी लगभग 15-20 के आसपास। तो 15-20 के आसपास आप लगा लो कि एक औरत आ सकती है इसके अंदर। Like to bring a wife, they need like big cows or the small calves is okay. The small ones, the other one, an example of the. Okay, the small ones, yeah, not big ones. Not big ones. Okay, that's more easy.
They need male or female or anyone? Any of them. Mixed, yeah. That's all. तो भाई ये लोग बता रहे हैं कि मतलब छोटा जो बच्चा लोग होते हैं ना छोटे छोटे इनको देने से ही हो जाता है काम. जो मेल वाले हैं वो लड़की पापा को दे दो, जो फीमेल वाली है वो लड़की मम्मी को दे दो एंड लड़की को ले आओ. ऐसे करके भाई अभी जैसे जैसे गांव में आगे जाएंगे हम दिखाएंगे कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वाइफ्स किसके पास हैं. यहाँ पे ऐसे भी लोग बैठे हैं जिसके पास 10-10 वाइफ्स हैं, मतलब उसने आराम से 200-300 गिफ्ट किए हैं तभी जाके ये मिले इनको. कुछ नहीं भाई. Whose home is this? तो पहुंच चुके हैं भाई एक प्यारी सी पॉकेट फैमिली के पास में. दिस मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली और ये आ चुकी है अपनी बकरी के दूध की चाय. सामने बकरियां आपको दिख रही होंगी. ओके अशांत है. और ये जो भाई साहब सामने आ रहे हैं ये हैं भाई इनका हेड ऑफ द फैमिली और इनकी वाइफ्स दिखाता हूँ. एक दो और जो पीछे खड़ी हैं दो चार. भाई चाय ये लोग दबा के पीते हैं. पाँच पाँच छः छः कप पी चुके हैं और इनका क्यूरियोसिटी लेवल इतना मेरे से क्या क्या अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं कि आपके और हमारे टाइम एक जैसा ही होता है क्या, और आपके आपके भी लोग काले होते हैं या तुम्हारे जैसे ही होते हैं. हाँ ये पूछा था कि तुम्हारी मतलब कितने गाय देते हो तुम लोग शादी करने में. बोला भाई हम लोग गाय नहीं देते, लड़के वाले स्पेशली लड़के वाले उन्हें जो भी चलता है तो मतलब लड़के वाले को देते हैं, बट वो भी आजकल कम हो रहा है. And ask your father, like, if he was in India and the girl's side was giving him something like a dowry, how many times he can marry? When he was in India. Why? The girl is giving you something. You should marry 10 or 15. Here, like, if he is married to one and he is taking the another wife, why he need another wife here? They believe that when you have more than two, yeah, that's how you have my family will expand. Okay, okay. Yeah, we'll you believe in extending your family. भाई तो मैंने भाई से पूछा कि मतलब इतने शादी क्यों करते हैं, इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं, एक से भी तो काम चल सकता है ना. तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब मतलब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो फोर वगैरह चलते थे, उसके अंदर ये लोग जो है ये कितने 10 भाई बहन थे, लेकिन उन लड़ाई वगैरह में ख़त्म होने के बाद भाई साहब अकेले ही बच्चे हैं. तो ये बिलीव करते हैं कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा, जो पीछे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके अभी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा तो ये अच्छा होगा, कल को अगर कोई वॉर हो तो सभी ख़त्म ना हो जाए भाई, कोई ना कोई तो बच जाए. तो भाई बातें तो काफ़ी हो चुकी है, अब चलते हैं इनके घर के अंदर और घर देखते हैं कैसे होते हैं. इतने सारे घर बने हुए, एक ये दिख रहा है, ये रहा वो रहा, वो सामने उधर भी काफ़ी बहुत हैं. इसका रीज़न है कि भाई साहब के क्या चार औरतें हैं उस वजह से, बाकी सब मतलब ऐसे नहीं कि औरतें सभी एक साथ रहती, एक साथ कोई नहीं रहता, अलग अलग घर में रहती हैं सभी. तो जब भी आदमी का मन होता है वो उसी के पास जाके सो जाता है, जस्ट इंडिया में जैसे राजा महाराजा होते थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किचन देखो भाई इनका. यहाँ पे कुछ क्या, ये क्या बन रहा है? दिस इज मेज. हाँ भाई मक्का का बहुत क्रेज है यहाँ पे, हर चीज़ में मक्का मक्का मक्का. यहाँ पे मक्का ही पकाया जा रहा है. The simple things. You don't have that thing that you used to drink milk, something like this. ये भाई इनका famous चीज. What do you call this? In pocket. मक्का. मक्का. You drink milk or water or what? Yeah, milk. Yeah. Milk. ये भाई milk storage करने का इनका. Good. Let's go. अगर आप मुझे और बाप गए ये करोगे? Can you go there? Okay. Okay. और ये वाला जो घर है ये इनका गेस्ट रूम देख सकते हो आप, सोफा वगैरह लगाए जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो. यहाँ पे काफी मॉडर्न हो चुके हैं ट्राइब्स, वो वाला बात बचा नहीं है अभी. ऊपर सिंपल टिन का छत है, लकड़ी से बना हुआ है. दिस थिंग इज मेड अप ऑफ मड. दीवार वगैरह जो पहले इंडिया में पुराने टाइम्स में होता था जो मिट्टी से बनाते थे, गोबर मिक्स करके, मड विद मिक्स्ड विद काउ डंग. या सेम विद इन इंडिया वी यूज्ड टू मेक. या वी यूज्ड टू.
और अब ये जो सामने दिख रहा है ये भाई यहाँ पे मुर्गियों का घर है इनका, एंड ये वाला चीज़ जो बकरी वगैरह लोग के छोटे बच्चे होते हैं उनको इसके अंदर रखते हैं, ऐसा सब कुछ ये लोग ऑर्गेनिक बनाते हैं ना हाथ से, कितना अच्छा लगता है। तो अभी बच्चे लोग तो गए अपने माँ पापा के साथ में खाना पीना खाने के लिए बाहर, तो कोई नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको, व्यू देता हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने साइकिल का कंकाल टांग रखा है, और ये आपका भेड़ बकरियों का घर। रात को बारिश हुआ तो काफ़ी कीचड़ वीचड़ मिलेगा, लेकिन आर्किटेक्चर देख लो आप। और सामने छोटे बच्चों में छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये हैं भाई आपके बकरियों के छोटे बच्चे, इनको साथ में लेके नहीं जाते क्योंकि जंगली जानवर इनका शिकार कर लेंगे। तो अभी हस्बैंड के घर से घूम घाम के अभी आ गए हैं, और ये आ गए भाई आपका वाइफ्स वाला एरिया, और इनके वाइफ का किचन चेक करते हैं कैसा है। ओके तो ही ऐसे स्टोर करते हैं इसमें दूध रख रख के। देयर इज नॉट एनी कॉक टू क्लोज दिस। ढकने का भी साथ में रखते हैं लोग। You need to buy this from the market or you get this in the jungle? We just make ourselves. Okay. So, this is any fruit or what? Yeah, it's a fruit. Fruit? Yeah, it's a fruit. Very nice thing, yeah. It's just the fruit, like a pumpkin which... Pumpkin. ऐसे रखते हैं भाई ये, बिल्कुल क्या बोलते हैं आपका अलमारी के जैसे, इनमें जचा जचा के ये सब चीज़ भी इन लोगों ने हाथ से ही बनाया है अपने। And what's this thing that side here? This was the house of some... किचन के अंदर भी भाई इन्होंने बकरियों के लिए छोटा से बड़ा बना रखा है, सर्दी वगैरह के टाइम में इनको यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। एंड दिस थिंग फॉर द चिकन? ओके, मुर्गियों के लिए भी घर बनाया हुआ है वो भी किचन के अंदर ही। और छत देखो भाई किस चीज़ से बनाया हुआ है, जो अपने इंडिया में सरकंडे नहीं बोलते वो वाला चीज़ है, इंडिया में बहुत यूज होता है ये, राजस्थान की तरफ जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ पे। भाई अभी एक बच्चे से मिलवाता हूँ, मेरे को देख देख के भाग रहा है, बहुत डर रहा है, उसका रिएक्शन देखते हैं। हेलो, ओके, सी इज योर ग्रैंडमदर? या माय ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर एंड योर ग्रैंडफादर, ही इज गॉन? या 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 ही हैज गॉन, नो मोर। या नो मोर। ओके, एंड वेयर इज योर मदर? व्हिच वन? योर मदर? माय मदर इज या देयर, he has gone to the shop, he has a shop there. Okay. And this one for the? This is the granary. Granary, okay. Show me this thing. और ये वाला जो चीज़ है भाई ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ पे ये अनाज स्टोर करते हैं अपना। इस पे लॉक लगा हुआ है तो ये वाला अभी चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं जो कि पूरा ऑर्गेनिक वाला है। ओके, यहाँ पे आप देखो मक्का वगैरह रखा हुआ है, लेकिन आर्किटेक्चर मेरे को सबसे मस्त लगा भाई। देखो छत कैसे बनाते हैं, लकड़ियों को मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के। यहाँ पे भी देख लो ना आप, पहले भी इसमें लकड़ी डाल देते हैं, यहाँ पे लकड़ी डाला, यहाँ से जैसे अपने स्वेटर बनाते हैं ना इंडिया में, वैसे ये लोग घर बनाते हैं। और ज़मीन से काफ़ी इसको ऊपर उठाया हुआ ताकि बारिश वगैरह आए तो कुछ भीगे ना इसके अंदर। दूसरा रीज़न ये भी हो गया ताकि कोई जीव जंतु या फिर कीड़े मकोड़े इसके अंदर ना घुसें। तो ये भाई इनकी वाइफ का चिकन का घर। So chickens go by themselves inside or you have need to put them? No, they go by themselves. They know their homes. Yeah, they know their homes. Ah. Just put a certain tree, for example, like this one here. Like a ladder. Like a ladder. Okay, you have to put this ladder. Put it this way. Okay. Can you ask him to go now? No. Until they just only by the time in the evening only. Okay, okay. Yeah. They know it's time for good night. Yeah. And what about the cows? Where are the cows? Uganda. भाई गाय वगैरह आपको यहाँ पे अभी इतनी मिलेंगी नहीं, क्योंकि अभी जो सीजन है ये थोड़ा सूखे वाला सीजन है, बारिश अभी स्टार्ट हुआ है। तो पास में युगांडा बॉर्डर अपना ज़्यादा दूर नहीं, 10-15 किलोमीटर होगा, तो चढ़ने के लिए वहाँ पे चले जाते, क्योंकि युगांडा में पहाड़ी इलाका काफ़ी है और हरियाली भी काफ़ी है। और ये इनकी लोकल चारपाई, और ये वाली चीज़ें भाई इनका लोकल चेयर। यू मेक दिस एट होम और यू बाय दिस? एट होम। भाई कितना सुंदर चीज़ है दिखने में, लेकिन ये लोग खरीदते नहीं है, घर पे बनाते हैं। ये सामने वाले पेड़ का ये, और ये इसको पकड़ने का बक्का, मस्त चेयर है ना भाई। और ये जो भाई साहब सामने आ रहे हैं ये हैं भाई इनका हेड ऑफ द फैमिली,
और भाई अगर इनके बात करें फेस्टिवल्स की, तो मेजर फेस्टिवल होता है इनका एक सपाना, जो कि दिसंबर महीने में मनाया जाता है। सपाना बोले तो एक तरह का वो होता है कि अब आप शादी के लिए ये तैयार हो, अब आप वॉरियर बन चुके हो। उसके अंदर क्या होता है भाई कि इन लोगों का जो रेसलिंग मैच होता है वो होता है, जो जवान जवान लड़के होते हैं, मतलब 20-25 साल के, मतलब जब भी इनको लगता है कि हम अभी जवान हो चुके हैं, कभी 15 साल की एज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप रेसलिंग करोगे अपने भाइयों से या फिर अपने पड़ोसियों से, जो भी उसके अंदर जीत गया सो ही इज़ द विनर, वो अभी वॉरियर बन गया, वो शादी के लिए तैयार हो गया, और जो नहीं जीता वो आप बोल दो कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करेगा। भाई गवर्नमेंट जॉब वाले जैसा ही लफड़ा है और कुछ नहीं है। सेम इंडिया वाली चीजें हैं, यहाँ पे कुछ वो डिफरेंट नहीं मिलेगा। ये आपकी कस्सी होगी फॉर डिगिंग और डिंगिंग, डिगिंग व्हाट यू कॉल दिस थिंग इन पॉकेट, जेम्बे, 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 भाई पेड़ पौधे यहाँ पे सेम इंडिया वाले जैसे मिलेंगे आपको। ये जो अपनी अरेशिया होती है सेम वो वाला जो आपके राजस्थान या फिर गुजरात के अंदर मिलती है डेजर्ट के अंदर, यहाँ पे भी वही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही यार, यहाँ पे डेजर्ट नहीं है कहीं भी, पूरा ये प्लेन्स वाला एरिया है, प्लेन्स या फिर माउंटेन्स है सामने की तरफ, यहाँ पे ये अरेशिया कैसे आई? टेम्परेचर भी इतना कोई ह्यूमिड नहीं है, बहुत ठंडा ठंडा है टेम्परेचर भी, आई डोंट नो। अभी का जो टाइम है वो सुबह के 10 बज चुके हैं, पूरे गाँव वाले मुझे विदाई देने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ लेक तुरकाना की तरफ और अपने स्पेशल गेस्ट से मिलवाता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू, विल मीट या, हां या, यू आल्सो वांट टू से थैंक यू अशांत, या अभी सोरो सोरो, थैंक यू सोरो 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 अशांत पे सोरो सोरो सोरो, बाय बाय। सबको टाटा बाय बाय करके निकल चुके हैं। अभी मैं जो स्पेशल गेस्ट बोल रहा था वो इस वजह से बोल रहा था, ये यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और मेरे से मिलने के लिए, मतलब मैं जा रहा था इनको पता था तो स्पेशल मिलने के लिए आए थे। लोग बहुत अच्छे हैं यार, लोग बहुत अच्छे हैं।